Hello dear students, so in this video we are going to be talking about the profile of management staff. We are going to discuss about that what the role of different managers is. Kya kya unka role rehta hai in hotel. To wo hum padhenge like jaise hotel general manager ka jo hai kya role hai, front desk manager ka kya role hai. तो हम वो डीपली एक्सप्लेन विद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. तो होटल्स देखो, जो होटल्स है वो आज के नवा डेज जो है बहुत ही रैम्पेंट हो गया, लाइक मतलब बिगेस्ट होते जा रहा है और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सो जितना बिगर द होटल विल बी उतना जो है बिगेस्ट जो है उतना जो है बहुत उसे कंट्रोल की ज़रूरत है और उतना डिफ़िकल्ट होता है उसे हैंडल करना. ठीक है, तो जितना अगर बिगेस्ट होटल है तो उतना ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा पीपल की ज़रूरत है टू वर्क देयर. ठीक है, वहाँ पे काम करे ताकि और उन सारे कामों को हैंडल में लाए. दस द मोर दे नीड पीपल, इसीलिए जो है वो उन्हें क्या चाहिए, मोर पीपल जो क्या करे, टेक चार्ज ले एवरीथिंग. ठीक है, जो भी वहाँ पे काम वाम हो वो जो है वो चार्ज में ले. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की उन्हें ज़रूरत है. और जो है होटल का जो जनरल मैनेजर है वो क्या करता है कि इतने सारे जो स्टाफ से वहाँ पे जो काम करते, बहुत सारे स्टाफ से, अगर बिग होटल है, बिगेस्ट होटल है तो वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं, तो उन्हें लाइक उन्हें अच्छे से काम कराना, उन्हें हैंडल करना, उन्हें कंट्रोल करना, वो किसका काम होता है, होटल जनरल मैनेजर का. ठीक है, जो ओवरऑल देखता है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट को देखता है, इसीलिए इसको जनरल कहा जाता है. ठीक है, होटल जनरल मैनेजर जो टॉप पे होता है. तो अगर लाइक इन अ फ्यूचर आप अगर होटल जनरल मैनेजर बनते हो तो आपको क्या करना चाहिए. ठीक है, आपको इस तरीके से देखना है कि आपको क्या करना है. अगर आपको फ्यूचर मैनेजर आप बनोगे, इन जनरल मैनेजर किसी होटल में, तो आपको जो अच्छे से याद रहेगा कि क्या क्या जो है वर्क होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक पर्टिकुलर जनरल मैनेजर का. देखो कि योर मेन जॉब जो होगा वो क्या होगा, टू क्रिएट, आपको क्रिएट करना है, सस्टेन करना है जो गेस्ट ड्राइवन होटल है, लाइक वहाँ पे जहाँ पे होटल में गेस्ट आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो आपको जो है या तो उसे क्रिएट करना है, उसे उनको मेंटेन करना, उन्हें जो है उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें जो है बाज़ाब्ता वो सारी चीज़ें देखना है जो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो. ठीक है, बियॉन्ड दियर एक्सपेक्टेशन आपको जो है उनको जो है जो गेस्ट है, जो ट्रैवलर्स है, जो टूरिस्ट है, उनको जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है. ठीक है, तो और क्या करना है आपको, आपको जो है वैसा एटमोसफेयर देना है जो इंस्पायर करे. ठीक है, हो जो इंस्पायर करे मतलब योर होटल टीम के जो मेंबर्स हैं कि वो क्या करें कि बेस्ट एफर्ट दें. ठीक है, जो भी उनको क्या लाइक आपको ऐसा एटमॉस्फेयर, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है अपने होटल में, जो आपके स्टाफ से, जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं वो जो है अच्छा फील करें और वो अपना बेस्ट एफर्ट दें सर्विस प्रोवाइड करने में. ठीक है, जो टूरिस्ट है उनको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करें, जो गेस्ट है उनको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करें और आपके होटल का नाम रोशन करें. ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, आपको मोटिवेट करके रखना है उन्हें, उनको इंस्पायर करके रखना है, जो वहाँ पे होटल में जो भी जितने सारे मेंबर्स है, टीम मेंबर्स है, जो भी जितने सारे स्टाफ्स है, तो उनको आपको मोटिवेट करके रखना है, इंस्पायर करना है, ताकि वो जो है अपना बेस्ट एफर्ट दें. तो इट्स ये आपका जॉब है कि आपको जो है क्वालिटी को भी देखनी है. ठीक है, ताकि जो है जो आपका गेस्ट है वो सेटिस्फाइड हो. ठीक है, आपको वैसी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, उन्हें इंश्योर करनी है, ताकि जो है वो गेस्ट जो है आपके गेस्ट से, जो ट्रैवलर्स है, वो सेटिस्फेक्शन हो. ठीक है, उनमें सेटिस्फेक्शन मिले. अगर आपका जो है क्वालिटी
उस हिसाब से नहीं होगा, ठीक है, आपने क्वालिटी वाला सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की, तो क्या होगा, वो डिससेटिस्फाइड होंगे गेस्ट। अगर डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे तो वो अगली बार नहीं आएंगे, तो आपको सेटिस्फाइड कर देना है उनको क्वालिटी वाला जो है सर्विस प्रोवाइड करके, ताकि वो आप सेटिस्फाइड हो जाए और अगली बार भी आपके होटल में आए और वो अच्छा फील करे, आपका कस्टमर बन जाए, ठीक है। तो मगर आपको जब आप जो भी टूरिस्ट प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाला दे रहे हो, जो भी सर्विसेज है वो क्वालिटी वाला देख रहे हो, तो आपको अपने होटल का प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है, ठीक है। जो गोल है वो भी जो है कीप इन इन योर माइंड, आपको अपने माइंड में ये भी ख्याल रखना है कि जो है क्वालिटी जो है एक्सेस नहीं कर रहा हो प्रॉफिटेबिलिटी से, ठीक है। ऐसा है कि आपको इतना भी क्वालिटी नहीं देना कि मतलब आपका जो है प्रॉफिट भी उसमें नहीं हो, ठीक है। तो आपको जो है प्रॉफिट को देखते हुए ही उतना ही मतलब उतना ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना है जितना वो जो है गेस्ट है जो ट्रैवलर से खर्चा रहे हैं, ठीक है। ऐसा देखो एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अगर कोई आपका जैसे 5 स्टार होटल है, ठीक है, आपका एक्सपेंसेस 5 स्टार होटल में पर डे लाइक 10,000 है, 5,000 है, ठीक है, 10,000 है लाइक, तो आप अगर कस्टमर्स को 10,000 वाले क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, देखो 10,000 क्यों ले रहे होंगे वो, क्योंकि इसलिए भी ले रहे होंगे क्योंकि वो लोग वैसे क्वालिटी वाले सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी कस्टमर से सिर्फ 2,000 लोगे 10,000 वाले जो 10,000 वाले रूम जो आप अक्सर देते हो, वो किसी कस्टमर्स को आप सिर्फ 2,000 में ही दे दोगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है। तो वो ही आपको ये देखनी है, जो क्वालिटी आप दे रहे हो वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी से कम, ये कम हो ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो आपका नुकसान है, तो आपको उससे प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए आपको उतनी ही क्वालिटी देनी है जितना वो लोग खर्चा रहे हैं, ठीक है, जितना जो है गेस्ट ट्रैवलर्स खर्चा रहे हैं उस क्वालिटी के लिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू परफॉर्म एंड सुपरवाइज करना आपको जो डेली रूटीन्स ऑफ द होटल है, ठीक है। तो आपको परफॉर्म करना है, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को देना है जो डेली डेली रूटीन काम है होटल का, लाइक जैसे गेस्ट का रिक्वायरमेंट देखना, चेक करना कि उनकी कौन सी रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो फुलफिल करना हर दिन, ठीक है। और दूसरा ये क्या आपको ये देखना है कि जो वहाँ पे स्टाफ से इंजीनियर से जो स्टाफ है हाउसकीपिंग, तो वो अच्छे से क्वालिटी वाला जो है सफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब अच्छे से क्लीन करा है कि नहीं करा है, और जो वहाँ पे इंजीनियर है उसने बाज़ाबता जो है लाइक जो भी वहाँ पे सिस्टम्स है वो मेंटेन करा हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये आपको इंस्पेक्ट करना है, ये चेक करना है आपको, और आपका काम है डेली रूटीन पे कि आपको देखना है फूड एंड जो बेवरेज डिपार्टमेंट में उसमें आपको देखना है कि जो सर जो गेस्ट के हिसाब से उनको उनकी पसंद का खाना मिल रहा है कि नहीं और क्वालिटी वाला फूड है कि नहीं, आपको ये भी हर दिन देखना है, ठीक है। और यू ऑल्सो हैव और आपको जो है ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है, आपको वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही, साथ में आपको स्टाफिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखो स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग इज़ अ सेलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, जो स्टाफ होता है उनको लाइक सेलेक्ट करना, ठीक है, उनको फाइंड करना, सबसे पहले स्टाफिंग में क्या होता है कि फाइंड करना एंड देन सेलेक्टिंग, ठीक है, और उनको ट्रेनिंग देना, दैट इज़ अ वो जो है स्टाफिंग हो स्टाफिंग में आता है, वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जो है मैनेजर की, ठीक है। तो वो स्टाफिंग करता है, लाइक वो जो नए रिक्रूटमेंट्स करता है, जो एम्प्लॉयज़ है उनका
इंटरव्यू लेता है, ठीक है, नए जो होटल में लाइक स्टाफ की ज़रूरत अगर होगी तो नए नए जो स्टाफ्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ लाना है तो उनको उनका देखता है, वो चेक करता है कि पहले रिक्रूटमेंट करता है, फिर उसके पहले लाइक वो जैसे एड वैड देगा, ठीक है, न्यूज़पेपर में अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ। फिर उसके बाद जब वो आ जाएंगे उनसे टेस्ट लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर हायर किया जाएगा, उसी बंदे को हायर किया जाएगा जो बंदा लाइक मतलब उस जगह के लिए, उस पोस्ट के लिए कैपेबल हो, ठीक है, जो सूट करता हो उस पोस्ट के लिए। और ये देखा जाएगा कि एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस जो है, और एंड द राइट पर्सन को ही वो जो है सेलेक्ट करेगा उस पोस्ट पे, ठीक है। तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इस जनरल मैनेजर की। तो वंस एक्सेप्टेड, यू वुड आल्सो बी द वन टू सुपरवाइज एंड काउंसिल देम, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब एक्सेप्टेड हो, एक बंदे को आपने सेलेक्ट किया है, तो आपको सुपरवाइज भी करना है उसे, उसके बाद काउंसिल भी करना है, ट्रेनिंग भी देनी है, उसको बताना है अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, तो जो भी उनका उनको उसका काम है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखो, दिस वुड इंक्लूड द डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेजर्स इन द होटल, तो ऑल दो देखो क्या होता है कि आपको जो जो भी स्टाफ जो है सेलेक्ट होता है, आपको उसको एक तो देखना होता है कि ठीक है, उसको बताना होता है अबाउट द डिफरेंट थिंग्स जो उसका काम है, और ये मैनेजर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बेस से भी हो सकता है, तो आपको अकॉर्डिंगली जो है वैसे ही आपको सुपरवाइज करना है, उसको देखना है और काउंसिल करना है, ठीक है, और उसको अपना काम बताना है। देखो, इसका जो जो जनरल मैनेजर है उसका ऑल दो द पे जो है हाई होता है, ठीक है, अच्छा खासा लाइक 2 लाख होगा, उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा जो है उतना ही हाई जो है उसका पे होगा, उस मैनेजर का, जनरल मैनेजर का, मगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसको जो है अच्छे से जो है पूरे होटल को संभालना होता है, लाइक उसको सारी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है, अभी जो मैंने कहा कि लाइक स्टाफिंग भी करना होता है उसको, हर दिन डेली डेली बेसिस पे उसको चेक करना होता है, इंस्पेक्ट करना होता है, जैसे हाउसकीपिंग क्वालिटी में दे रहा है कि नहीं, सफाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है, और जो फूड एंड बेवरेज में देखना होता है कि वो लोग अच्छे से मतलब लंच लाइक डिनर बना रहे कि नहीं, और क्वालिटी वाले सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, और उसको और भी बहुत सारे चीज़ें करना होता है, ताकि जो है और मोटिवेट करके रखना होता है, इंस्पायर करके रखना होता है जो स्टाफ्स को, ताकि वो जो क्वालिटी एफर्ट्स दे अपना, तो ये सारी चीज़ें उसकी वो ये सारी चीज़ें वो जनरल मैनेजर करता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और उसकी उसका जो बहुत सारा अथॉरिटी भी जो होता है ये करने का, काम करने का, तो सारा जो है बहुत उसके शोल्डर पे होता है, ठीक है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके शोल्डर पे होता है। तो इस जनरल मैनेजर की ही वजह से जो है एक होटल सक्सेसफुल होता है, अगर जनरल मैनेजर अच्छा नहीं हो तो वो एक होटल अच्छा वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है, मतलब वो डूब भी सकता है, उस प्रॉफिट कमा भी नहीं सकता है। तो एक जो है जनरल मैनेजर है वो क्या करता है कि होटल को जो है अच्छे से चलाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और अच्छे से बेस्ट क्वालिटी देता है, और जो है स्टाफ्स को मोटिवेट करके रखता है, तो ओवरऑल जो है सभी काम देखता है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि होटल जो है परफॉर्म अच्छा देता है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है अच्छी, फिर क्या होता है उसकी वजह, और जब वो जो होटल सर्विसेज अच्छा अगर प्रोवाइड कर रहा हो तो कस्टमर्स भी जो है बहुत आते हैं, जो टूरिस्ट है वो कस्टमर बन जाते हैं, आना जाना रहता ही रहता है, और उसका जो है एक होटल का इमेज बनता है, ठीक है। तो ये क्या था इस वाले में, हमने इसमें ये पढ़ा कि एक जनरल मैनेजर का क्या काम होता है, ठीक है।
तो उसके बाद है कि फ्रंट ऑफिस मैनेजर का क्या काम है। ठीक है, जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर अगर आप बनते हो तो उसका जो है काम क्या होता है कि जो फ्रंट, लाइक आपने देखा होगा कि एक होटल में फ्रंट पे लाइक बहुत सारे, जैसे ही एंटर करते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं फ्रंट पे, डेस्कटॉप पे। ठीक है, मैनेजर्स भी होता है और भी इम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनको काम होता है कि हैंडल करना, किनको हैंडल करना, जो टूरिस्ट होता है, ट्रैवलर्स होते हैं, सबसे पहले जो है उनसे उनका मीट होता है, तो उसको मोटिवेट करना, लाइक उनकी उनका जो है उनको देखना कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये काम किसका होता है, एक डेस्क फ्रंट डेस्क मैनेजर का। और फ्रंट डेस्क मैनेजर का ये काम भी होता है कि वो देखे कि जो स्टाफ है जो वहाँ पे फ्रंट पे जो है वो स्टाफ जो है उनकी ट्रेनिंग देखता है। ठीक है, और उनका उनका कम्युनिकेशन देखता है, उनका शेड्यूलिंग वर्क देखता है। देखो, एक नाइट टाइम शेड्यूलिंग होता है, डे टाइम शेड्यूल होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइमिंग होता है स्टाफ्स की काम करने का, तो वो शेड्यूलिंग कौन बनाता है, यही फ्रंट मैनेजर बनाता है। ठीक है, तो ही यूजुअली वो करता है। देखो वो क्या करती है, ये जो है फ्रंट मैनेजर क्या करता है कि लाइक उसका देखो एक होता है नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, या तो वो डे शिफ्ट में काम करेगा, नाइट शिफ्ट में काम करेगा, तो जो है उस शिफ्ट के हिसाब से भी काम करता है बंदा। ठीक है, ये मैनेजर तो, मगर इसको क्या करना होता है, वो हमेशा जो है अवेलेबल बैठना होता है जब नीड हो शिफ्ट पे। ठीक है, अगर नाइट के टाइम पे अगर नीड हो तो तब बैठना पड़ता है इसको, या डे के टाइम पे नीड हो, जब भी अगर नीड हो तो इसको जो है अवेलेबल रहना पड़ता है। ठीक है, तो किसी किसी होटल में क्या होता है कि दो फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है, एक डे के टाइम रहता है होटल में, एक शाम के टाइम रहता है होटल में। तो कई होटलों में सिर्फ एक ही फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है, या तो वो डे के टाइम बैठता है, वो या तो शाम के टाइम बैठता है, मगर उसको क्या होता है कि अवेलेबल बैठना होता है जब जो है होटल को ज़रूरत पड़े इसकी। ठीक है, तो और क्या करता है ये बंदा जो है फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, रेगुलरली जो है डिपार्टमेंट मीटिंग्स होल्ड, मतलब लाइक अटेंड करता है, और जो ऑल द शिफ्ट्स है लाइक डे नाइट शिफ्ट्स होते हैं जो, उसको हैंडल कौन करता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर करता है। और ये क्या करता है कि इसकी सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा जो काम है इसका जो है फ्रंट ऑफिस मैनेजर का, वो अंडरस्टैंड करता है जो भी फ्रंट, देखो डेस्क पे, देखो जो भी जो है टूरिस्ट को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लाइक ट्रैवलर्स को होटल में, तो वो सबसे पहले डेस्क क्लर्क वहाँ पे जो डेस्क पे जाता है वहाँ पे सबसे पहले डेस्क फ्रंट ऑफिस मैनेजर को ही जो है बोलता है अबाउट दी प्रॉब्लम। ठीक है, तो फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है अंडरस्टैंड करता है प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। जो तो फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम क्या होता है कि उनका जो है प्रॉब्लम सुने और उनको सॉल्व करने की कोशिश करे। ठीक है, और द बिगेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सुपरवाइज ओवर द फ्रंट डेस्क क्लर्क्स। ठीक है, तो और इसका बिगेस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होता है कि वो सुपरवाइज करे, देखे, चेक करे। ठीक है, हमेशा उनको देखे कि जो फ्रंट डेस्क क्लर्क्स होते हैं, बहुत सारे जो क्लर्क्स होते हैं वहाँ पे, जैसे लाइक हाउसकीपिंग क्लर्क्स जो है वहाँ पे, जो फ्रंट ऑफिस पे जो लाइक कभी काम कर रहा हो, जो फ्रंट ऑफिस जो हॉल को सजा रहा हो, या तो वो जो बंदा वहाँ पे जो क्लर्क्स होंगे जो डेस्क ऑफिस पे जो लाइक सिस्टम पे बैठा हो कोई। ठीक है, जो जो रिजर्व जो लाइक मतलब रूम रिजर्व कर रहा हो टूरिस्ट के लिए। ठीक है, या तो वहाँ पे जो जो पेज कहते हैं, जैसे जो बॉय होता है लिफ्ट बॉय, ठीक है, जो बंदा सामान उठाता है, ठीक है, तो उनको देखना, जो भी वहाँ पे क्लर्क्स होते हैं उनको डेस्क पे जो फ्रंट ऑफिस पे क्लर्क्स जो होते हैं, तो वो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको देखे उनका का वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उन्हें उनको काम दे। ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर का होता है। द फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है
उसको होना चाहिए शुड पोजेस, ठीक है। अगर कल को आप फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनते हो तो उसको यू शुड पोजेस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, आपको जो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और आप में जो है एक डेमोन्स्ट्रेट जो है लीडरशिप एबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। आप में जो है एक दिखने वाला एक जो लीडरशिप एबिलिटीज़ होना चाहिए, जो कंट्रोल कर पाए, ठीक है। जो भी क्लर्क से जो भी स्टाफ से उनको कंट्रोल करना आना चाहिए आपको, उनके साथ बात करना आना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको काम देना आना चाहिए, उसको सुपरवाइज़ करना आना चाहिए। तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है जो आप में होनी चाहिए अगर आप एज अ फ्रंट मैनेजर बनते हो। और आप में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पे कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपको, क्योंकि क्या होता है कि आपको टूरिस्ट को हैंडल करना होता है, जो भी टूरिस्ट आते हैं उसको हैंडल करना होता है। तो इसलिए जो है आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है अच्छी होनी चाहिए। देयर आर जो है मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज़ दैट कम विद द जॉब ऑफ दिस टाइटल, ठीक है। तो लाइक जैसे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ होते हैं, देखिए इस जॉब का देखो, जैसे कि हायर करना, ट्रेन करना न्यू पीपल, ठीक है, न्यू पीपल को जो फ्रंट डेस्क टॉप पे जो काम करते हो उनको हायर भी करना, ट्रेन भी करना, किसका काम होता है इसका, फ्रंट ऑफिस मैनेजर का, ठीक है। और ये क्या करता है कि मतलब देखता है कि एवरीथिंग जो है रन प्रॉपरली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एवरीथिंग जो है जो भी काम है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में है कि नहीं है, ठीक है, ये इसका काम है। तो वो इस पोजीशन का काम है कि जो भी लाइक क्वेश्चंस हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको उसकी आंसर उनका आंसर दे, जो भी जो है टूरिस्ट का प्रॉब्लम्स हो क्वेश्चंस उनका आंसर दे। लेकिन डिफ़िकल्ट और क्या होता है कि मतलब जो डिफ़िकल्ट कॉल्स होता है, देखो लाइक वहाँ फ्रंट डेस्क ऑफिस में वो भी लोग बैठे होते हैं जो जिनको कॉल अटेंड करना होता है, ठीक है। तो अगर कोई डिफ़िकल्ट टेलीफोन हो, कोई कॉल हो, तो वो कौन तो उसको जो है हैंडल किसको करना होता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर को, जो वहाँ पे क्लर्क होंगे अगर उनको हैंडल नहीं कर पाए वो क्या करता है, वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर के पास जो है कॉल फॉरवर्ड करता है, और उसको फिर जो है फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है उसको हैंडल करने की कोशिश करता है, उसको सॉल्व करता है, और उसके जो है जो कस्टमर के हिसाब से जो है उसको जो है उसका जो चाहिए उसको क्वेश्चन का आंसर जो भी प्रॉब्लम है वो फुलफिल करता है, ठीक है। तो एनालाइज द फ्रंट डेस्क बजट, और ये क्या करता है कि जो एनालाइज द फ्रंट डेस्क बजट होता है, लाइक उस फ्रंट में जो बजट स्टाफ्स के लिए जो सैलरी हो, या लाइक या तो वहाँ पे जो भी जैसे वहाँ पे फ्रंट पे बहुत सारे चीज़ें होती, इक्विपमेंट्स होता है, सिस्टम्स होता है, लाइक सो या तो हॉल में सोफ़ा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, डेकोरेटेड चीज़, तो वो जो है इसी फ्रंट मैनेजर का काम होता है, उसको लाइक डेकोरेट करना, उसको परचेज करना, उसको वहाँ पे रखना, ठीक है। जैसे वहाँ पे डेकोरेटेड थिंग है उनको अच्छे से सजा के रखा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे एक होटल में आप घुसते हो वहाँ पे बहुत बड़ा हॉल होता है, ठीक है, तो वो जो है वो हॉल बहुत ही अच्छे से सजा होता है, तो वो किसने सजा होता है, सिर्फ फ्रंट ऑफिस मैनेजर ने सजा होता है, और उसमें बहुत सारी कीमती कीमती चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें जो है इसी फ्रंट ऑफिस मैनेजर ने ही जो है अकॉर्डिंग टू इसने जो है बजट के हिसाब से जो है लाया होता है, ठीक है। तो यही एनालाइज करता है इस फ्रंट ऑफिस बजट को डेस्क। तो सेटिंग्स शेड्यूल्स और शेड्यूल्स होता है लाइक डिफरेंट स्टाफ्स का जो है शेड्यूलिंग वर्क होता है, टाइमिंग होता है काम करने का, या तो नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट होता है, किसी को मॉर्निंग में होता है, या तो किसी को शाम में आना होता है, या तो किसी को इवनिंग में, कुछ बहुत सारे जो है काम का, या तो काम करने का जो है तरीका, ठीक है। तो मतलब ये सारा जो है वो कौन करता है, ये फ्रंट मैनेजर जो है सेट करके देता है, शेड्यूल बना के देता है, ठीक है। टाइम लाइक शेड्यूल क्या होगा कि टाइम टेबल बना के देता है, उस हिसाब से जो है उन जो है जो वर्कर्स को उस हिसाब से ही काम करना है, ठीक है। तो वेलकमिंग गेस्ट करना इसी का काम होता है, डील विद गेस्ट करना, कंप्लेंट्स को सॉल्व करना, ठीक है। जो कंप्लेंट्स है गेस्ट का ट्रैवलर्स का वो कौन सॉल्व करके देता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, ठीक है। और तो
ये क्या करता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो भी फॉरेन टूरिस्ट है, गेस्ट है, उसको उसका जो है जो भी सर्विसेज है वर्दी रिक्वायर, ठीक है, उसको फुलफिल करके देता है उनको, लाइक रूम बना के अकॉर्डिंग टू देयर वांट के हिसाब से उनको रूम देता है, ठीक है, तो उनका जो भी प्रॉब्लम है वो डील करके देता है, ठीक है, सॉल्व करके देता है। तो उसके बाद क्या, इसका जो है इस पोजीशन का जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, इसको चाहिए कि अगर आप बनते हो कल को फ्रंट ऑफिस मैनेजर, आप में प्लेंटी ऑफ पेशेंस होने की ज़रूरत है, ठीक है, आप में लोगों को समझने की ज़रूरत है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या दे व्हाट दे वांट, ठीक है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। और लाइक आपको देखो क्या होता है कि पेशेंस की आपको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कोई कस्टमर ऐसा होता है कि कोई गुस्से वाला कस्टमर होता है, कोई अजीब सा होता है, तो बहुत सारे अजीब अजीब लोग होते हैं, डिफरेंट सारे थिंकिंग के लोग होते हैं, एटीट्यूड्स के लोग होते हैं, तो आपको उसको हैंडल करना होता है। तो इसीलिए जो है आपको जो है उनके साथ जब बात कर रहा हो, अगर वो जितना भी गुस्सा दिखाए, अजीब अजीब बातें करे, आपको अपने में पेशेंस रखनी है, आपको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है, ठीक है, तो स्माइलिंग विद आपको जो है जो भी जो है लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी काम हो या हैंडल करना है गेस्ट को, तो आपको विद स्माइलिंग फेस होनी चाहिए, आपको एक फ्रेंडली एटमोसफियर क्रिएट करना है वहाँ पे, और जो है एज स्माइल सेज वी आर ग्लेट यू आर हियर, ठीक है, एक स्माइल क्या कहता है कि वी आर ग्लैड, ठीक है, हम खुश है कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, अगर एक फ्रंट मैनेजर जो भी वहाँ पे इम्प्लाइज है वो अगर स्माइल दे, उसका मतलब ये है, टूरिस्ट को अगर स्माइल दे, गेस्ट को स्माइल दे, उसका मतलब ये है वी आर ग्लैड यू आर हियर, ठीक है, हम खुश है कि आप यहाँ पे हो। वेन एवर एन एम्प्लॉय स्पीक्स विद द गेस्ट, द एम्प्लॉय शुड एंड द कंजर्वेशन विद द स्टेटमेंट, देखो जब भी जो है एम्प्लॉय गेस्ट के साथ काम कर रहा हो तो एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, एंड करना चाहिए विद द स्टेटमेंट को, जो भी कन्वर्जेशन हो रही हो उसके साथ बातचीत हुई, ठीक है, तो जब लास्ट में क्या करना चाहिए, उसको क्या कहना चाहिए, इस स्टेटमेंट के साथ जो है क्लोज करना चाहिए, उसको कहना चाहिए प्लीज़ कॉल ऑन मी इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी फर्दर असिस्टेंट, ठीक है, उसको क्या कहना चाहिए, ये स्टेटमेंट कहना चाहिए कि प्लीज कॉल ऑन मी इफ आई कैन बी ऑफ एनी फर्दर असिस्टेंस, ठीक है, तो ये काम है किसका, फ्रंट ऑफिस मैनेजर का। द फ्रंट ऑफिस मैनेजर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पोजेस लैंग्वेज स्किल, ठीक है, उसको लैंग्वेज स्किल, कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर के लिए, उसको, और उसको क्या होना चाहिए कि दो तीन जो है फॉरेन लैंग्वेज में होल्ड होना चाहिए, ठीक है, लाइक अगर इंडिया में है, इंडिया का मदर लैंग्वेज है हिंदी उर्दू है, तो उसको इसके अलावा भी क्या होना चाहिए कि फॉरेन लैंग्वेज एक आता है इंग्लिश, ठीक है, लाइक फ्रांस हो नहीं, फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज हो या तो जर्मन लैंग्वेज हो, ठीक है, तो और भी सारी एक दो लैंग्वेज जो है उसमें होल्ड हो, इसको होनी चाहिए इस फ्रंट ऑफिस मैनेजर को। शुड ऑल्सो मॉनिटर द फाइनेंस एट द फ्रंट डेस्क एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग विद ऑल अदर डिपार्टमेंट्स इन रिगार्ड्स टू द फ्रंट डेस्क डिपार्टमेंट, ठीक है, तो इसका काम यही है कि जो भी फाइनेंस है, जो भी बजट है वो हैंडल यही करता है, ठीक है, फ्रंट ऑफिस में, फ्रंट ऑफिस का डेस्क का, फ्रंट डेस्क का, ठीक है, और इसका जो है इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स तो होनी चाहिए, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी कि ये कम्युनिकेट करे ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है, इन रिगार्ड, देखो इन रिगार्ड विद द फ्रंट डेस्क डिपार्टमेंट, ठीक है, तो क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग लिंक होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो जो भी टूरिस्ट आते हैं उनका प्रॉब्लम होता है, उनका लाइक उनको कोई सर्विस अगर चाहिए तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, फ्रंट डेस्क ऑफिस में जाता है, ठीक है, उन वहाँ पे जो मैनेजर होता है उनको कहता है कि लाइक मुझे ये वाला सर्विस चाहिए या मुझे भी ये वाली प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से जो है इस फ्रंट ऑफिस डेस्क मैनेजर का काम ये होता है कि बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी कम्युनिकेशन हो उसकी, ठीक है, लाइक उस बंदे को अगर
उस बंदे को अगर कुछ सर्विस चाहिए, लाइक या तो उसको कुछ खाना वाना चाहिए, ठीक है, उसको जो है खाने में कुछ ऐसा आइटम्स चाहिए जो उसका वो चाहता है, ठीक है, जो टूरिस्ट चाहता है कि वैसा आइटम हो, तो इस फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम है फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट से बात करे, उनके उनसे बात करे कि जो है इस पर्टिकुलर बंदे को, जो इस पर्टिकुलर कस्टमर्स को ये वाला जो है फूड की रिक्वायरमेंट है, तो वो बना ले या वो उनको उसको प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इसी तरीके से उसको हर डिपार्टमेंट से के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये सारा था एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि फ्रंट ऑफिस मैनेजर का जो है डीपली हमने पढ़ा कि क्या होता है काम, ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कि जो है एक जनरल मैनेजर का क्या काम होता है, ठीक है। तो ये था क्या प्रोफाइल ऑफ है मैनेजमेंट स्टाफ। तो और भी बहुत सारे जो है लाइक स्टाफ से वो फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर है और एग्जीक्यूटिव शेफ है, तो ये अगले बार अगली अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।